अभी हम जा रहे हैं लॉस्ट लेक, जो है तो यहीं कहीं अभी लॉस्ट हो चुकी है शायद, जो विस्लर के साथ लगती है। चलिए आपको दिखाते हैं, ये पहाड़ों पर लाइनें दिख रही हैं। ये स्कीइंग का रिसोर्ट है, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा स्कीइंग रिसोर्ट है और गर्मियों में माउंटेन बाइकिंग होती है यहाँ। अभी हम आए लॉस्ट लेक में, लॉस्ट है मुश्किल से मिली है। बियर 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 दिस। ये लेक विस्लर विलेज से 1.5-2 किलोमीटर दूर ही है, डेंस फॉरेस्ट के बीचों बीच, और यहाँ पर रेत डाल के समुद्र के जैसा बीच बना रखा है। साइकिलिंग ट्रैक्स मिल जाएंगे, रनिंग के लिए ट्रेल्स मिल जाएंगे फॉरेस्ट के बीच में से, और व्यू तो शानदार है ही। यहाँ आने के लिए आपको विस्लर विलेज सेंटर से फ्री शटल मिल जाएगी। यहाँ पार्किंग बहुत कम है और 5 मिनट की पार्किंग अलाउड है बस। अभी आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह दिखाते हैं, बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ अभी तक नहीं किया तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियोज़ कैसी लग रही हैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। राम राम तो उतरियो, नीचे जाके आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग व्यू दिखाते हैं। यह लेक एल्टा विस्लर के आजू बाजू, विस्लर के साथ लगती लेक है, बड़ी ब्यूटीफुल लेक है, मस्त नज़ारे हैं। खाना खुना खा के मजे आ गए घर से, चावल पुलाव और पनीर टिक्का बना के लाए थे, साथ में दही कोल्ड ड्रिंक, मजे आ गए। ये जो है ये पब्लिक डेक है और साथ में और भी प्राइवेट डेक भी बने हुए हैं। हम पहले प्राइवेट डेक पे चले गए थे, फिर नोटिस पड़ गया है, बंदा बाहर आ गया था, सोच रहा कोई बोट रेंट पे लेने आया होगा। पानी देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, ठंडा भी है, अभी बच्चे नहा रहे थे। सर्दियों में तो ये पूरा स्नो से ढका रहता है एरिया, अभी भी कुछ पहाड़ों की चोटियों पर तो है बर्फ। अभी वैंकूवर की तरफ वापस जा रहे हैं और रास्ते में दुनिया के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से कुछ एक हैं और ऐसी ही एक जगह रुके हैं, चलिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ है। लो दोस्तों अब हम आ गए लो दोस्तों अब हम आ गए पता नहीं कहाँ पे पता नहीं कहाँ पे आ गए तो अब हम यही चीज देखेंगे हम कहाँ पे आ गए अभी आगे जाके देखते हैं हम कहाँ पे आ गए हैं। और अगर आपको पता है तो आप बता दें प्लीज कहाँ पे आ गए। वैसे हम आए हैं फरी क्रीक बीच पर, विकास नज़ारे तो बढ़िया हैं, लोग बोटिंग वाटिंग भी करने लग रहे आगे, बढ़िया जगह है एकदम मस्त ये जगह। भाई वैंकूवर से विस्लर जाते तो रास्ते में आती है, वैंकूवर से लगभग 1 घंटे की दूरी पे होगी, और सी टू स्काई हाईवे बोलते हैं, ये हाईवे है उसके साथ ही लगती जगह है ये। इस जगह का नाम फरी क्रीक है और ये स्क्वेमिश टाउन के बिल्कुल नज़दीक है, स्क्वेमिश के बारे में थोड़ी देर में बताएंगे आपको, बने रहिएगा। मतलब रेत का बीच नहीं है, बीच ओवला नहीं है जितना आप समझ गए। हाँ विनिपेग में कहाँ ऐसे नज़ारे आने थे,
हम शुरू में इंडिया से विनीपेग शिफ्ट हुए थे, लेकिन 4-5 महीने बाद फिर यहाँ पर सरी में शिफ्ट हो गए। ये तो जन्नत जैसी जगह है, धरती पे स्वर्ग है। इसी कारण तो ब्रिटिश कोलंबिया को बेस्ट प्लेस टू लिव ऑन अर्थ बोलते हैं और ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया बोलते हैं। देखिए मित्रों, अति अद्भुत अविस्मरणीय नजारा है। मेरी हिंदी फोटो नहीं खिंचवानी? No, no, चलो नहीं, बंद कर रहा हूँ तो। चलो हाँ, लोग आज कितनी मित्रों आज कितनी जगह पे घूम लिए, बढ़िया यार। वीकेंड पे निकलना चाहिए बाहर। घर भी अच्छे हैं ना? हाँ बढ़िया, आपसी सोसाइटी है। रास्ते में रुके हैं, ये स्क्वैमिश टूरिस्ट प्लेस है, पीछे समंदर है। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, गंडोला राइड है, दूसरी साइड काफ़ी ऊंचा माउंटेन है तो वो सीधा आपको ऊपर माउंटेन पर पहुँचा देती है। और एक माइन म्यूजियम है और बाकी फॉरेस्ट में ट्रेल्स हैं घूमने फिरने के लिए, ये भी काफ़ी बढ़िया जगह है। सी टू स्काई गंडोला बोलते हैं उसे, क्योंकि वो समंदर से लेके सीधा पहाड़ पर पहुँचा देती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आ जाओ आ जाओ, चलो बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय कर दे, बाय बाय। तो आज वीडियो को करते हैं यही एंड। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।